झुर 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 पड़ रे संतन होता संतन होता जगति में तो जल जाओ संसार गुरुवंदना हो हो ओ जी भव जल डूमती भव जल डूमती तारियो जी महाराज सतगुरु लियो रे उबार पूरा सन बलिहारी दूरी तक बैठे हो आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया, जिनके गुरु हैं वे दोनों हाथ उठाएंगे। क्या बात है, बोले सत्य गुरुदेव की गुरु की कृपा हो गई। फूलगिरी जी महाराज लिखे हुए बोले असिंह जुगा असिंह जुगारो तू तुम्हारो हसिलो सत्य गुरु दियो रे जगाई सब तेरी सिसकारी इन गुरु दियो रे जगाई सब तेरी सिसकारी हरे सब तेरी सिसकारी जी ओ जी ओ जी 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 जी
देखिए जिन भक्त पर गुरु की कृपा हो जावे, जिन मनुष्य पर, जिन आदमी पर गुरु कृपा कर दे, क्योंकि बिना गुरु की कृपा, गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना देता दान, और गुरु बिना दान नहीं काम का, एक कह गया वेद पुराण। यदि गुरु की कृपा है तो सब तीर्थ व्रत त्योहार तप जप भक्ति दान ये सब सार्थक है। और यदि गुरु की कृपा नहीं है, आदमी एक करोड़ रुपये रो दान दे दे, पर यदि गुरु की कृपा नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। और जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, संतों ने लिखा है, बहुत सुंदर बात कही है, बोले ओ चमसू झगड़ा जीतिया, चमसू झगड़ा जीतिया, चमसू झगड़ा जीतिया, रे भाई भव सागरिया, रे माई भयो आनंद भार, भव सागरिया, रे माई भयो आनंद भार, हरे भयो आनंद भारी जी, ओ जी ओ जी। ओ वाणियो 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 गुरु अपने बलिहार, वाणियो गुरु देवी अपने बलिहार, जोरदार तालियां बजाएं कर दोनों हाथ उठा के। अरे अपनी बीता जगती में, अपनी हो जगती में, अपनी होता जगती में बूदा मन पुड़ी कर तोली भारी साई होता दुखी भारी, हरे भोगता दुख भारी जी, ओ जी ओ जी। वाणियो गुरु देवी अपने बलिहार, ओ वाणियो गुरु देवी अपने बलिहार, सुनो भारी जी, ओ जी ओ जी। वाणियो गुरु देवी अपने बलिहारी, अपने बलिहारी, अपने बलिहारी।
बलिहारी, आपने बलिहारी, आपने बलिहारी, आपने बलिहारी, आपने बलिहारी, आपने बलिहारी, आपने बलिहारी। भेरू जी रो कड़वा दिया बीरा जी का सारे भगतारा का भैरू जी महाराज री कड़वा दिया भैरू जी महाराज री महिमा गान करते हुए मारा भैरू जी ही रो देता
की जोता जागती दिवला वाली ज्योति भेरू जी जगमगी जोता जागती दिवला वाली ज्योति भेरू जी जगमगी जोता जागती शरीर यहां पर है तो मन कहीं और भटकता रहेगा।
तो रात भर बैठे रहो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन शरीर के साथ में यदि मन को जोड़ के आनंद लेंगे तो फिर आनंद आएगा। एक बार पीछे तक सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे और मेरे साथ में बोलेंगे, बाजे छे देवा, ए बाजे छे, मंच पे बैठे, ए बाजे छे रे बाजे छे, बाजे छे बाजे छे बाजे छे, नौबत बाजा मारा ते बारी रा राजा, बाजे छे नौबत बाजा मारा ते बारी रा राजा, ते बारी रा राजा कड़वा दिया है राजा, बाजे छे रे बाजे छे, बाजे छे रे बाजे छे, बाजे छे नौबत बाजा मारा ते बारी रा राजा, बाजे छे नौबत बाजा मारा ते बारी रा भैरू जी महाराज है, क्षेत्र क्षेत्रपाल जो है वे भैरू जी महाराज है। घर में जब छोटो नैनो गिगलियो जन्म ले तो भैरू जी महाराज की जात होती है, और भैरू जी महाराज की जात होने के बाद में ही उसका विकास होता है। जब तक भैरू जी महाराज की जात नहीं लागे टापर गोदड़ा में मूत्या करे। तो भैरू जी महाराज की कृपा यदि कुल पर है, भैरू जी महाराज की कृपा यदि परिवार में है, तो फिर परिवार में संपन्नता भी है, परिवार में समृद्धि भी है, वंश की वृद्धि भी है। और भैरू जी महाराज की कृपा यदि परिवार में नहीं है तो वो परिवार टूट टूट कर बिखर जाता है। और इसलिए बाजारी रे बाजारी, बाजारी रे बाजारी। मैं चाहता हूं मंच पे हमारे अतिथि बैठे उनकी भी ताली हो जाएगी। सुराज संकल्प यात्रा चल रही है, 16 तारीख का जो मेला होने वाला है ना उसका एक लघु रूप आप यहां देख रहे हो। ए बाजारी रे बाजारी, पीछे तक दोनों हाथ उठा के, बाजारी रे बाजारी, बाजारी रे बाजारी, बाजारी बाजारी बाजारी, गोद भरावो मारा ते बारी रा राजा, बाजारी गोद भरावे मारा ते बारी रा राजा, आंधा ने आख्या देवे मारा ते बारी रा राजा, आंधा ने आख्या देवे मारा ते बारी रा देवारी रा राजा, देवारी देवार। अब ये आगे वाले नहीं बोलेंगे, मैं चाहता हूँ पीछे वालों की भी आवाज आए। माइक की आवाज आ रही है ना,
कितने लोगों को नहीं सुनाई दे रही, हाथ खड़ा करें। तो फिर यदि सुनाई दे रही है तो आनंद के साथ में, अरे देवारी दा राजा देवारी। माताएं बहने, बहुत ज्यादा संख्या में मैं निवेदन करता हूं बहनों से भी कि आप बिल्कुल भैरव जी के चरणों में बैठी है, मेरे साथ में बोलेंगी, अरे देवारी दा राजा देवारी दा, देवारी दा राजा देवारी दा राजा, बाजे छे रे बाजे छे, बाजे छे रे बाजे छे, बाजे छे बाजे छे बाजे छे, नौबत बाजा मारा देवारी दा राजा, बाजे छे नौबत बाजा मारा करदा दा राजा। दुखियारा दुखड़ा मिटावो महारा दे मारी दा राजा, दे बारी दा राजा दे बारी। मेरे को आपके बीच में आना पड़ेगा, शांति शांति के साथ में ऐसे नहीं चलेगा। उठाएं एक बार हाथ, हमारे अनिल जी कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि कैमरे को पीछे घुमा दे, आप लोग बैठिए, बैठ के आनंद लेंगे। एक बार झूम तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज आपसे एक बार उठाएंगे हाथ। अरे बाजे छे रे बाजे छे, बाजे छे बाजे छे रे बाजे छे, बाजे छे रे बाजे छे, बाजे छे बाजे छे, नौबत बाजा महारा दे बारी रा राजा, बाजे छे नौबत बाजा महारा दे बारी रा राजा, दे बारी रा राजा तू बेगो बेगो आजा, दे बारी रा राजा तू बेगो बेगो आजा, बाजे छे बाजे छे रे बाजे छे, बाजे छे रे बाजे छे, बाजे छे नौबत बाजा महारा दे बारी रा राजा। वैसे देखिए माताओं बहनों की आवाज बहुत तेज होती है, मेरी जहां तक जानकारी है, एक मिनट, बड़ी तीखी आवाज होती है, बड़ी तेज होती है, जब शांत होती है ना तब नहीं होती, गुस्सा आता है तब। देखो आप बहनों को, पड़ोस में यदि किसी महिला से झगड़ा हो गया तो पांच गली बाद में सुनाई देगा कि उस गली में कुछ हो रहा है। मैं चाहता हूं, बड़ी प्यारी बोलती है, मीठी मीठी आवाज के साथ में आप भैरव जी महाराज के मंदिर के बिल्कुल करीब बैठी है, मेरे साथ में बोलेंगी। सभी बहनों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये जितने सज्जन खड़े होके आगे सभी बैठ जाओ, यहां से बैठ जाओ आप बिल्कुल प्लीज। अरे जागे से रे जा, जागे छे रे जागे छे, जागे छे जागे छे जागे छे, जगमग जोता महारा दे बारी रा राजा,
लगे छे जगमग जूता मारा दे बारी रा राजा दे बारी रा राजा तू बेगो बेगो दे बारी रा राजा तू बेगो बेगो दे बारी रा राजा तू बेगो बेगो मेरे अकेले गया जब माइक बंद करके गाऊंगा तो भी आपसे तेज होगी बोलेंगे एक बार सभी अरे देबाजी दा राजा तू बेगो बेगो देबाजी दा राजा तू बेगो बेगो आजा बाजे छे रे बाजे छे बाजे छे रे बाजे छे बाजे छे नौबत बाजा महाराज दे बाजी दा राजा बाजे छे नौबत बाजा महाराज दे बाजी दा राजा भेरू सारे भगतारा का बाजे छे रे बाजे छे बाजे छे रे बाजे छे बाजे छे बाजे छे बाजे छे नौबत बाजा महाराज दे बारी रा राजा बाजे छे नौबत बाजा महाराज दे बारी रा राजा बाजे छे नौबत बाजा महाराज दे बारी रा राजा बाजे छे नौबत बाजा महाराज दे बारी रा राजा बाजे छे नौबत बाजा महाराज दे बारी रा राजा बाजे छे नौबत बाजा महाराज दे बारी रा राजा
लगी। देखिए ये जो दोहा मैंने जिस अंदाज से गाया है ना, ये बिल्कुल ही अंदाज से हमारे प्रकाश जी मारे गाते। एक बार चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें, महाराणा प्रताप की सारी शूरवीरता यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। धन्यवाद धन्यवाद। लीजिए जिन प्रकार रो, जैसे प्रकाश जी माड़ी ने बहुत सारे भैरू जी के भजन गाए और आप सभी भक्ता बिल्कुल बड़े आनंद के साथ नृत्य कर रहे थे, तो आप सभी लोगों को भाव देखता एक वंदना भैरू जी महाराज ने। अरे तिवारी झीलों की नगरी, और झीलों की नगरी की इतनी जबरदस्त तालियां बजनी चाहिए कि आशा जी जब 240 किलोमीटर अहमदाबाद तक पहुंचे तो इनके कानों में राजस्थान की तालियों का सैलाब उमड़े। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा ले, क्या बात है, और एक बार जरा जोरदार जयकारा हो।
लोगों से निवेदन कि अगर जितना भी भैरू जी महाराज रहा जितना भी भक्त अपने दोनों हाथ ऊपर करो, क्या बात है, क्योंकि पतो लागे ये जो मंदिर के ऊपर विराजमान है सभी लोगों से निवेदन, मंच के ऊपर जितने भी विराजमान है, क्या बात है, सभी लोग दो पंक्ति में सभी लोगों ने ताल के ताल के साथ गाऊंगी, सभी लोगों से निवेदन के मिट्टी मिट्टी ताल वन टू अरे ती बारी चौक मेरे मेरी माता बहनों की तालियों की आवाज लिए मैं निवेदन करूं कि आप भी बिल्कुल शक्ति रो अवतार हो और चैत्र नौरते चल रहे आज दूसरा नौरते मैं निवेदन करूं मातृशक्ति से कि अपने दोनों हाथ पर उठा लें। जिस तरह से प्रकाश जी माणी ने महाराणा प्रताप बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, दो पंक्ति में कहना चाहूंगी कि मेरे आगे वाले भी होश में है तो पीछे वाले भी जोश में, मेरे आगे वाले होश में है तो पीछे वाले भी जोश में, आगे बैठे महाराणा प्रताप तो पीछे बैठे सुभाष चंद्र बोल रहे हैं, एक बार सभी लोग दोनों हाथ पर मिट्टी मिट्टी ताल
वज्र समान शरीर दुखिया ने सुखिया करे साचो सुंदर रचना भेरू जी महाराजरी जितना भी भक्त विराज माने सभी रे वास्ते पगला में बंधाबू छीणा घूगरा रे पगला में बंधाबू छीणा घूगरा रे थर कड़ियों में लटकता ना मकी सिरे लटियाला भेरू लखराड़ा भेरू कड़वादिया भेरू शरणे आपको उत्तर देना है कि दूध में चावल बिना से क्या बनती है, क्या बात है? माता है बहनी, कोई नाराजगी तो कोनी? हाँ, सभी माता बहनों से निवेदन, पूरी रात आपने मारो साथ देना है कि दूध में चावल बिना से क्या बनती है, और भैरू जी महाराज के भजनों पे तालियां बजाने से क्या बनती है?
तो जो जो भी अपनी तकदीर बनाना चाहता है एक बार सभी लोग करो हाथ उठा ले। ये जितने भी खड़े सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, मंच के ऊपर विराजमान सभी लोग प्रकाश जी माणी से भी निवेदन करती हूँ, क्योंकि आपके पूरे भजनों में मैंने तालियां बजाई है। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा ले, क्या बात है। बारी रे मनोरा बारी मेवाड़ है, और मेवाड़ में किन प्रकार से भजन चलते हैं मुझे पता, लेकिन मैं बहुत कम जानती हूँ मेवाड़ी भजन है। लेकिन यहाँ किन प्रकार से कलाकार भजन गाते हैं, छोटी सी वन्ना अब सभी वक्ता के बीच में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। अरे ढोल बाजी रे तंदूरा बाजे, रे ढोल बाजे रे तंदूरा बाजे, मारे भैरू जी रे, मारे भैरू जी रे, मारे भैरू जी रे, मंदिर माही ढोल बाजे, मारा भैरू जी रे मंदिर माही ढोल बाजे, जय बारी भैरू जी महाराज की। प्रकाश जी के साथ कई सालों से काम कर रहे हैं, मैं निवेदन करूं एक बार हर एक कार्यक्रम में जितने भी बार मैं प्रकाश जी के साथ में आपको खड़ा करना मैं नहीं भूलूंगी। एक बार निवेदन है, प्रकाश जी कहेंगे तो ही खड़े होंगे। एक बार भागीरथ जी भाई साहब के लिए जोरदार तालियां, जो अपने मुंह से मोरिया का आवाज निकालते हैं, एक बार खड़े हो जाओ। हाँ सभी लोग मेरी ताल बजाए तो ही खड़े हो गए। हाँ तादाद में भक्त विराजमान है। एक बार सभी लोग, अरे दीपारी रागा में काय मेड़ो
लागे।